हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बलराज ट्रेडिंग टेक। सो गाइस, निफ्टी बैंक का आज का क्लोजिंग मिला है 46,064 पे। इसने क्लोजिंग किया है जो कि एक काफी जबरदस्त क्लोजिंग दिया हुआ है बैंक निफ्टी ने। देखा जाए तो हम वन डे काफी वन मंथ से हम एक ही रेंज में लगे हुए थे, सिंपल एक रेंज चल रहा था। सो एक्सपेक्टेड था इसका ब्रेकआउट, लेकिन इसने कर दिया ब्रेकडाउन। मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया था, कल हमने वही डिस्कशन किया था क्या कि 48,300 का हमारे रेजिस्टेंस रहेगा। सो उसके ऊपर हम देखेंगे निफ्टी बैंक को उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो गया, पूरा का पूरा उसके अगेंस्ट हो गया। आज भी मार्केट ओपन हुआ अगेन रिटेस्ट के सेम रिटेस्ट के लेवल के पास गया, लेकिन आज सेलर ने बायर को कंट्रोल करने ही नहीं दिया। इतना नीचे ओपन हुआ तो गैप डाउन, जब इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो बायर को कंट्रोल कैसे करने देंगे सेलर, जबकि उनके कंट्रोल में मार्केट आ गया था। एंड ये जो लेवल देखते हैं ना, यहाँ पे हम कंटिन्यूस 46,900 के आसपास कंटिन्यूस सपोर्ट ही बना रहे थे, उसके नीचे हम आ नहीं पा रहे थे। एंड आज जब निकले तो काफी तेजी से इसने डाउन साइड का मोमेंटम कर दिया है। सो आज का कैंडल का क्लोजिंग काफी अच्छा है। इस रेंज में हमें कुछ खास मिल नहीं रहा था, लेकिन आज काफी अच्छा एक मूवमेंट, दो मूवमेंट आज काफी अच्छे मिल गए इंट्राडे में। अभी देखा जाए तो ये क्लोजिंग कहाँ पे है, 46,064 पे। प्रॉपर सपोर्ट अगर देखा जाए तो कहाँ पे है, 44,980 के आसपास इसको सपोर्ट है, मतलब 45,000 के आसपास हम मान सकते हैं, 45,000 के आसपास हमें सपोर्ट है, इस वाले लेवल के पास सपोर्ट है। ये वाला जो बड़ा गैप पेंडिंग है ना, हो सकता है कि मार्केट इस गैप को भी फिल करने के लिए आ जाए, प्रोबेबिलिटी इसका हो सकता है। कल का डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज अगर निफ्टी बैंक को देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक कितने पॉइंट, लगभग 2000 पॉइंट माइनस में है, 4.28% हम माइनस में है। निफ्टी भी 2% के आसपास है, 2% माइनस 460 पॉइंट, बहुत ही हुच कैप डाउन एंड उसके बाद हुच सेलिंग वहां पे बनी हुई है। सो ये टोटली सेलर के कंट्रोल में मुझे अभी निफ्टी बैंक दिख रहा है। सो एक्सपेक्टेड रहेगा कि इसने उसको अगर सपोर्ट लेना था ना, तो आज इसी लेवल का सपोर्ट बनाना चाहिए था, इस वाले लेवल का सपोर्ट बनाना चाहिए था, स्टिल उसने सपोर्ट नहीं बनाया एंड उसके भी नीचे आके हमने क्लोजिंग किया हुआ है। सो डायरेक्टली नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल के आ रहा है तो वो यही पे आ रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट एंड नेक्स्ट टारगेट निफ्टी बैंक के लिए कहाँ पे आ रहा है, ये जो लेवल है 45,530 के आसपास, 45,500 के आसपास हम बोल सकते हैं। अभी हम 46 के पास है, मतलब लगभग 500 पॉइंट का मोमेंटम हमें और डाउनसाइड में एक्सपेक्टेड है, बस ये गैप डाउन नहीं ओपन होना चाहिए। एंड जो लोग बीटीएसटी के लिए जाते हैं, कॉल साइड के लिए जाते हैं, मतलब यहाँ पे जो लोग कॉल साइड में बीटीएसटी के लिए गए होंगे, उनको मार्केट ने आज बहुत गंदा ट्रैप किया है, बहुत ही बड़ा मोमेंटम डाउन साइड में कर दिया, गैप डाउन ओपन हो गया, 1500 पॉइंट तो गैप डाउन ही ओपन हो गया था। तो ऐसे में आप लोग अपसाइड में जाते, मतलब बीटीएसटी के लिए जाते, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बीटीएसटी के लिए मत जाया करो। बीटीएसटी बहुत ही मतलब रिस्की रहता है, इंट्राडे ही वैसे रिस्की है, ऊपर से बीटीएसटी आप लोग करते हो, मतलब पैसों के साथ बहुत बड़ा रिस्क लेते हो आप, जो आपको नहीं लेना चाहिए। एंड देखा जाए तो मार्केट ने अभी जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो क्लोजिंग भी काफी टफ है, मतलब बीटीएसटी के लिए जाना है पैसा हो गया, लग गया, नहीं लगा तो फिर लॉस ही लॉस है। सो इसीलिए इंट्राडे में देखना पड़ता है, जो भी मोमेंटम होगा उसके साथ जाना पड़ता है, ठीक है। सो अभी 46,500 का जो लेवल है ना, वो लेवल उसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है सीधा 46,500 के पास, लेकिन गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो हमारा मुंह खत्म कर देगा, वो गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। आज ऑलरेडी 2000 पॉइंट का सेलिंग यहाँ पे हो चुका है, 2000 पॉइंट मार्केट नीचे आ चुका है। सो इम्पोर्टेंट देखना पड़ेगा कि मार्केट सस्टेन करता है कल या नहीं। कल अगर सेलिंग कोई प्रमोट करेगा बैंक निफ्टी, तो सिंपल हम उसी के साथ जाएंगे। वैसे तो सबके ऐसे लाच कटे होंगे, जो जिन्होंने बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखा हुआ था रेंज में, ये इतना बड़ा मूवमेंट क्यों आता है, क्योंकि लोग जनरली क्या करते हैं, जब मार्केट रेंज में रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे मार्केट रेंज में था तो बहुत सारे लोग, यानी ट्रेंड क्या था, बुलिश था एंड मार्केट रेंज में लगा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों का पोजिशन यहाँ पे होल्ड होगा अपसाइड के लिए कि बायर यहाँ पे बैंक निफ्टी जो इसका ब्रेकआउट करके अपसाइड में जाए, इसलिए बहुत सारे लोगों का पोजिशन भी होल्ड होगा जो फ्यूचर को बाय करके रखते हैं। सो उनका भी एसएल कटे होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा मोमेंटम इसने किया एंड लगभग उनके एसएल जो रहेंगे ना, वो 46,000 एटलीस्ट 500 के आसपास ही होंगे, या फिर बाकी के 500 के 46,000 के आसपास उनका तो ट्रेलिंग एसएल तो हिट होना ही बनता है गाइस। इतना बड़ा मोमेंटम में उनका ट्रेलिंग एसएल तो इसी के आसपास हिट हो जाएगा, 46,500 का ही वो एसएल लगा के चलेंगे, इसीलिए मोमेंटम आ चुका है। एंड वो भी नए पोजिशन बनाते हैं तो डाउन साइड में मोमेंटम आना एक्सपेक्टेड है। आज अगर देखा जाए तो मार्केट ने मॉर्निंग में ओपनिंग के बाद रिकवरी करने का कोशिश किया, लेकिन वो रिकवर बिल्कुल नहीं कर पाया, उसके बाद फिर से उसने सेलिंग को ही प्रमोट किया एंड डाउनसाइड का मोमेंटम किया।
अभी जो इसका जो लो लगा हुआ है वो लो इसने लगाया है 46,000 के आसपास। एंड हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि कल बैंक निफ्टी 46,200 की लेवल को अपसाइड में ना निकाले। 46,200 की लेवल को अपसाइड में नहीं निकालता है एंड इसी के नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर से ये सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है। एंड थोड़ा बहुत अपसाइड में जाता भी है तो कहाँ तक जाएगा, अगर अपसाइड में जाना अगर इसको पसंद करता है अपसाइड में जाना निफ्टी बैंक थोड़ा बहुत रिकवरी के लिए, तो 46,300 से 400 का एरिया इसके लिए काफी रहेगा। ये वाला जो एरिया रहेगा ना 300 से 400 का, ये एरिया काफी रहेगा। यहाँ तक बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवरी के लिए जा सकता है एंड उसके बाद फिर से वो डाउन साइड में आने का ट्राई करेगा। ठीक है, इतना चीजें समझ में आई। एंड डाउन साइड में अगर आना है तो इसी जगह से उसको रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। अगर सेम जगह पे अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज बताऊंगी, अगर इसको इंट्राडे में ट्रेंड अगर चेंज करना है, मान लीजिए इसको इंट्राडे में, अभी हमारा ट्रेंड क्या चल रहा था, बुलिश बट साइडवेज चल रहा था। अभी इसको अगर ट्रेंड चेंज करना है, आज का ट्रेंड देखे तो लग रहा है कि ये ट्रेंड चेंज कर सकता है, बियरिश कर सकता है। तो बियरिश मार्केट में रिक्वेस्ट है मेरा, सपोर्ट को फाइंड आउट नहीं करना है, रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस वर्क करेंगे एंड मार्केट सेल करेगा, सपोर्ट को वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सपोर्ट को वो ब्रेक ही करेगा। जब बेयरिश ट्रेंड चलता है तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके रेजिस्टेंस के साथ स्मॉल एसएल के साथ जाना चाहिए, ना कि सपोर्ट पे हैमर कैंडल देख के अपसाइड के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ये मेरा कोई सजेशन नहीं है गाइस, ये जस्ट मेरा व्यू है। सो आपको एक चीज मैंने माइंड में डाल दी कि अब अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो आप लोगों को भी क्या करना है। अभी यहाँ पे देखिए सपोर्ट के पास ये रुका एंड देन ब्रेकडाउन ही किया ना, बेयरिश मार्केट में वही होगा। सो आपको उसी को फॉलो करना है। ठीक है, अभी रेजिस्टेंस का एरिया कहाँ पे बताया मैंने, 46,300 से 400 तक रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग के बाद थोड़ा बहुत अपसाइड में जाने का ट्राई भी किया तो अभी सेम जगह से रेजिस्टेंस लेके वो नीचे आने का ट्राई करेगा फिर से। ठीक है, सेलर इतने आसानी से बायर्स को कंट्रोल करने नहीं देंगे। ठीक है, एंड नीचे की साइड में हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 45,000 तक, वैसे 45,500 के आसपास तक हमारा टारगेट है। सीधा 500 पॉइंट का नीचे की साइड में हमारे टारगेट ओपन रहेगा। सेलिंग काफी स्ट्रांग हुई है, सो हो सकता है कि वही सेलिंग कंटिन्यू हो। गैप डाउन अगर बड़ा हो गया तो ऐसी सिचुएशन में तो वेट करना पड़ेगा, फिर गैप डाउन में हम तो कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा बहुत इस तरह का रिकवरी मिलेगा तो काफी बेटर हो जाएगा, फिर थोड़ा बहुत रिकवर कर ले एंड फिर उसके बाद हमें अपॉर्चुनिटी दे तो हम उसी के अपॉर्चुनिटी के साथ जाएंगे। गैप अप के चांसेस तो बहुत लेस है लेकिन हो भी गया। एंड कल अगर ये फिर से अगर रिकवर करना हो, कल अगर उसको फिर से अपसाइड में जाना हो, रिकवर अगर करना हो तो हम सिंपल बुलिश प्राइस एक्शन बनने देंगे, बहुत नेसेसरी रहेगा। कल अगर इसको रिवर्सल लेना होगा, अपसाइड में जाना होगा तो बुलिश प्राइस का क्रिएट होना 100% मान लीजिए आप, बहुत जरूरी रहेगा। थोड़ा सा भी हम रिस्क नहीं लेंगे, 100% बुलिश प्रोजेक्शन बनेगा तभी अपसाइड में हम उसको देखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। निफ्टी 50 का भी देखा जाए तो निफ्टी 50 ने भी आज 500 पॉइंट का गिरावट किया हुआ है, जो कि उसके लिए काफी हो गया, उसके लिए 2% के आसपास उसने गिरावट किया हुआ है। एंड निफ्टी का भी ये जो कैंडल बन रही थी, लास्ट कैंडल डोजी कैंडल था, उसके ऊपर या इसके नीचे ये ट्रेंड डिसाइड करती। अभी हमने वापस से सेम रेंज में आके यहाँ पे क्लोज किया, इसने अभी भी अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है। मतलब निफ्टी का जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है 21,444 से 21,400 के पास निफ्टी का सपोर्ट है। ओके, सो निफ्टी को भी अपना 21,400 का जो लेवल है ना उसका ब्रेकडाउन करना पड़ेगा डाउन साइड में मोमेंटम के लिए, नहीं तो हो सकता है निफ्टी कल सेम रेंज के पास आए एंड यहाँ पे सपोर्ट बना ले। निफ्टी ने अभी भी अपना सपोर्ट तोड़ा नहीं है, सो निफ्टी में अभी भी एसएल हिट नहीं हुए है। निफ्टी का 21,444 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जब तक इसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक निफ्टी 50 ये लेवल तक आने का थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये ब्रेकडाउन कर देता है 21,444 का तो इसके पास जगह रहेगी 21,444 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसके पास सीधा टारगेट निकल के आने वाला है 21,255। मतलब नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा ना उसको, वो सपोर्ट इसी जगह के आसपास मिलना चाहिए। हो सकता है वो लेवल एग्जैक्ट 255 ना हो, हो सकता है वो लेवल 244 हो, 33 हो या फिर 22 हो, तो इनमें से किसी भी एक जगह के पास वो आना चाहेगा। अगर 21,444 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, ये लेवल का ब्रेकडाउन काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ब्रेकडाउन के बाद सीधा सपोर्ट इस जगह के पास उसको मिलने वाला है। इतना चीज समझ में आया आप लोगों को? लेकिन अभी भी इसके पास कहाँ तक जगह है, 21,571 पे क्लोजिंग है ना, मतलब 21,444 तक तो उसको जगह है ही। नेक्स्ट वो मूव डिसाइड करेगा इसके नीचे, नेक्स्ट डाउनसाइड का मूवमेंट डिसाइड होगा इस लो के नीचे। वनडे में वैसे ये चार्ट भी देखना पड़ेगा कि क्या वो निकल रहा है,
लेवल माइंड में रखेंगे, सिंपल जो है लेवल माइंड में रखेंगे। इसने अभी भी अपना सपोर्ट ब्रेक नहीं किया है, जहां से ये सपोर्ट लेके अपसाइड में गया है ना, उस लेवल को अभी ब्रेक नहीं किया है। तो हमें चाहिए कि वो इसी लेवल के पास आए। यहाँ तक टारगेट तो वैसे अभी ओपन है, टारगेट निफ्टी के लिए कहाँ तक ओपन है, 21,444 तक टारगेट उसका ओपन है। हमें चाहिए उस लेवल के पास आए, वहां पे हम डिसाइड करेंगे कि ये क्या चाहता है। ओके, एंड वो लेवल अगर ब्रेक हो गया तो सीधा सपोर्ट जो निकल के आएगा 21,000, मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को, 255, 244 या 233, इनमें से कोई एक जगह पे इसके पास सीधा नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आने वाला है। मतलब यहाँ से देखा जाए तो आज का जो प्राइस देखा जाए तो टोटली बियरिश प्राइस बना के इसने क्लोज किया है। सो हो सकता है कल थोड़ा अपसाइड में जाने का ट्राई करें, उसके बाद फिर से सेलिंग करें। एंड सेलिंग का प्रेशर कितना भी तेज हो, वो थोड़ा इस लेवल के पास रुकेगा। अगर इस लेवल के पास हमें फील हो रहा होगा कि कैंडल जो है बेयरिश बना रहा है मार्केट, एंड जब भी इसका ब्रेकडाउन करेगा हम सीधा बड़े टारगेट के लिए देखेंगे, फिर हमारा व्यू बड़ा रहेगा फिर उसके नीचे। ठीक है, अभी प्राइस देखा जाए तो टोटली बियरिश प्राइस इसने क्रिएट किया है। अगर निफ्टी कल अपसाइड में जाता है तो वो कहां तक जा सकता है, निफ्टी अगर अपसाइड में जाता है तो वो 21,644 के लेवल के पास जा सकता है। 21,644 के पास निफ्टी जाने का ट्राई करेगा, एंड ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का वर्कआउट कर सकती है, रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकती है। सिंपल चीज है, बस ये भी गैप डाउन नहीं ओपन होना चाहिए। मान लीजिए कि ये 444 के पास ओपन हो गया गैप डाउन, तो ये फर्स्ट कैंडल ट्राई करेगी थोड़ा सा अपसाइड में जाने का, एंड उसके बाद फिर हम सेम लो जो रहेगा ना, आज का जो लो रहेगा ना, वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। उसके लिए पास हम डबल टॉप वगैरह सिचुएशन फाइंड आउट करेंगे, बाकी जो बियरिश प्राइस बनेगा हम मार्केट में देख लेंगे। एंड गाइस, आपको ग्रीडी नहीं होना है, बिल्कुल भी लालच नहीं करना होता है। मार्केट बहुत बड़ा मूवमेंट कर जाता है ऑलरेडी, एंड उसके बाद आप एक्सपेक्टेशन करते हो और बड़े मूवमेंट का। सो इसमें तो ट्रैप होनी ही है, इसमें तो लॉसेस होनी ही है, तो वो चीजें अवॉइड करनी है। एंड प्लीज, वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक भी करना है। आप लोग लाइक करेंगे तभी मुझे सपोर्ट मिलेगा आपका, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी करना है, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, जय हिंद, राधे राधे।